हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे पंचमेल दाल। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून अरहर दाल, 2 टेबलस्पून चने की दाल, 2 टेबलस्पून लाल मसर की दाल, 2 टेबलस्पून उड़द की दाल, 2 टेबलस्पून धुली दाल, 2 टेबलस्पून देसी घी, 5-6 कलियां लहसुन का पेस्ट, 1 इंच अदरक का पेस्ट, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 5-6 कड़ी पत्ते, नमक स्वादानुसार, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 5-6 साबुत काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 साबुत लाल मिर्च, 1 पिंच हींग। सभी दालों को कम से कम 1 घंटा भिगो कर रख दें। आप दालों को अलग अलग भी भिगो सकते हैं और इकट्ठा भी भिगो सकते हैं। ये हमने दालों को अलग अलग भिगोया है। अब आप कुकर में दाल बॉईल करें, चने की दाल डालें, मसर की दाल डालें, अरहर की दाल डालें, उड़द दाल डालें, और धुली दाल डालें। सभी दालों को मिक्स करें। स्वादानुसार नमक डालें, हल्दी डालें और पानी डालें। पानी दाल से 1 इंच ऊपर हो, आपने इतना पानी डालना है। अब आप कुकर को बंद कर दें और 1 सीटी आने के बाद 2 मिनट इसे सिम पर रखें। तब तक हम इधर तड़का तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में देसी घी डालें। देसी घी में तड़का लगाने से दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और सभी सूखे मसालों को कूट लें। हींग डालें, जीरा डालें, साबुत लाल मिर्च डालें, कड़ी पत्ता डालें, और सूखे मसाले कूट कर डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर दें। प्याज डालें, अच्छे से हिलाएं, हरी मिर्च डालें, और प्याज को गोल्डन होने तक भूनें। ये देखिए प्याज गोल्डन होने लगे हैं। धनिया पाउडर डालें, हल्दी डालें और लाल मिर्च पाउडर डालें। इसे अच्छे से हिलाएं और
अब आप टमाटर डालें। स्वादानुसार नमक डालें ताकि टमाटर गल जाएं। आपने टमाटर को तब तक भूनना है जब तक ये गल ना जाएं और घी मसाले से अलग ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर गल गए हैं, दाल हमारी उबल कर रेडी है। अब आप इसमें दाल डाल दें और अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको दाल गाढ़ी लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए दाल की कंसिस्टेंसी। धनिया डालें, गरम मसाला डालें, थोड़ा सा देसी घी डालकर आप इसे रोटी, परांठी और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। पंचमेल दाल रेडी है, आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आप हमारी ये वीडियोस भी देख सकते हैं।